किया है कि जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है उनका वोटर कार्ड बनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज गवर्नमेंट की जो स्कीम है आधार को वोटर कार्ड से लिंक किया जाए, जोड़ दिया जाए, वो कर रहे हैं। किसी के वोटर कार्ड में दुरुस्ती करना है तो वो काम कर रहे हैं। मैं इस मौके पर हमारे शाहनवाज भाई तमाम का सागम भाई शुक्रिया अदा करता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ में। खुदा हाफिज़। जय भीम जय भीम। आज जो आप प्रोग्राम ले रहे हैं, ये 3 दिन का प्रोग्राम है, और क्या इसमें आम जनता को फायदा होने वाला है? इसमें ये हमारा नवे इलेक्शन कार्ड बनाने का मकसद ये है कि आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर मोदी शाह की जो जोड़ी है ये पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को कैसे तकलीफ देने का काम कर रही है, ये सब आपको मालूम है। चाहे NRC के मसले है, जो भी मसले है, तुम कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए, तो हमारे अगर नाम इलेक्शन यादी में अगर रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लोगों को तकलीफ जाने वाली नहीं है। कितना ज़रूरी है इलेक्शन यादी में अपने आधार कार्ड से लिंक कराना? अगर से नहीं होता है तो इससे क्या नुकसान होगा आप जरा इसके बारे में? ये आधार कार्ड से लिंक का तो अभी मसला नहीं है। अभी हम न्यू कार्ड जो 18 साल के हो गए अभी उनका हम एंट्री कर रहे हैं ताकि जब भी ये NRC का मसला आएगा तो हमारे लोगों के अगर नाम अगर उसमें रहेंगे तो उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक आखिरी सवाल, NRC का तो मसला खैर अभी आगे है, लेकिन MIM पार्टी को कितनी ताकत मिलेगी नए वोटर नहीं? यकीनन अगर नाम बढ़ते हैं तो MIM पार्टी को उसकी ताकत मिलने वाली है। पूरे शहर के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में अगर नाम बढ़े तो जाहिर बात है MIM को उसका फ़ायदा होने वाला है। आपका पूरा नाम और शाहनवाज खान, एक कॉर्पोरेटर, खैसर कॉलोनी, औरंगाबाद।